पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक नैब दफ्तर पहुंच गए, पेश होंगे, नैब हुकाम को इंतजार है। साबिक वजरा से नैब के अफसरान तहकीकात करेंगे। अदालत ने ख्वाजा बरादरान की अबूरी जमानत भी मंजूर कर रखी है। बात कर लेते हैं राहील सैयद से। राहील, 10 बजे का वक्त दिया गया था, क्या बताया जा रहा है, कब तक ख्वाजा बरादरान पेश होंगे और क्या बताया जा रहा है, पेश भी होंगे या नहीं? ख्वाजा बरादरान के बारे में इतला ये है कि वो पेश होंगे, ताहम अभी तक तो वो नैब की तहकीकती टीम के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन जो उनके ज़ाती ज़राए हैं उनका कहना है कि ख्वाजा साद रफीक जो हैं और ख्वाजा सलमान रफीक जो हैं आप नैब की तहकीकती टीम को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो स्कैंडल है उसकी तहकीकत चल रही है, जिस पर नैब ये तहकीकत कर रहे थे पैरागॉन सोसाइटी जो है वो किसकी मलकियत है। इस हवाले से कैसर अमीन भट्ट को भी नैब की जानब से बुलाया गया था, उन्होंने भी बयान रिकॉर्ड किया है, जबकि साबिक चेयरमैन जो चेयरमैन है CEO हैं पैरागॉन सोसाइटी के नदीम से उनकी गिरफ्तारी के लिए भी नैब कोशिश हैं, तमाम अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अब ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक जो है कुछ देर बाद कहा यह जा रहा है कि नैब की तहकीकती टीम के सामने पेश होंगे। जब वो पेश हुए थे तो उनके असासे और बैंक स्टेटमेंट से नैब हुकाम की जानब से मांगी गई थी, जो जराय का कहना यह है कि अभी तक मुकम्मल मालूम जो है नैब को फराम नहीं की गई। कबल गिरफ्तारी करवा रखी है ख्वाजा साद रफीक ने, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद अगर वो पेश होंगे तो नैब उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अब देखना यह है कि वो कब तक पेश होते। कहा यह जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है वो नैब की तहकीकती टीम के सामने पेश होंगे। नैब की तहकीकती टीम को उनको उनसे इंतजार है, कुछ सवालनामा भी उन्होंने करके ख्वाजा साद रफीक के हवाले से कि वो आएंगे तो पैरागॉन सोसाइटी के हवाले से।